आदरणीय शिक्षक साथियों, मानव संपदा पोर्टल के पेरोल मॉड्यूल पर उपस्थिति या वेरिएशन ला करने की तिथियों में परिवर्तन कर दिया गया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निर्देशक कार्यालय से जारी पत्र के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अधीन कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों के वेतन का भुगतान मानव संपदा पोर्टल के पेरोल मॉड्यूल के माध्यम से किया जा रहा है। पेरोल मॉड्यूल को लागू हुए 2 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। इस अवधि में समस्त हितधारक पेरोल मॉड्यूल के प्रयोग से भिज्ञ हो चुके हैं। समय से वेतन भुगतान हेतु विभिन्न हितधारकों के स्तर पर प्रतिमाह उपस्थिति / वेरिएशन ला करने की निर्धारित समयावधि निम्नवत परिवर्तित की जाती है। विद्यालय स्तर पर पूर्व में जो समय अवधि दी गई थी वह दिनांक 21 से 25 तक होती थी, महीने की 21 तारीख से 25 तारीख तक। जो नवीन समय अवधि दी गई है वह अब 21 से 23 तारीख तक होगी, 2 दिनों की कमी कर दी गई है। विकास खंड स्तर पर यह कार्य जो 26 से 28 तारीख तक महीने की होती थी वो अब 24 से 25 तक वह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। वहीं वित्त एवं लेखाधिकारी स्तर पर जो कार्य 29 महीने की 29 तारीख तक होता था वह नवीन परिवर्तित समयावधि के अनुसार अब दिनांक 26 से 29 तक किसी महीने की 26 तारीख से 29 तारीख तक कर लिया जाएगा। पूर्व में जारी खंड शिक्षा अधिकारी / नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा नियमित वेतन बिल तथा अवशेष के वेतन बिल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से प्रति हस्ताक्षर कराकर वित्त एवं लेखा कार्यालय को प्रस्तुत करने संबंधी व्यवस्था तत्काल समाप्त की जाती है। समस्त बिल वित्त एवं लेखा कार्यालय द्वारा बनाए एवं आहरण हेतु कोषागार में प्रस्तुत किए जाएंगे। खंड में कार्यरत कार्मिकों की प्रस्थिति विवरण प्रपत्र पर प्रतिमाह खंड शिक्षा अधिकारी / नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा संपूर्ण खंड के विद्यालयों का ब्यौरा प्रत्येक माह की 25 तारीख तक समस्त विद्यालयों के उपस्थिति पत्रक की 1 प्रति के साथ वित्त एवं लेखा कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। बिंदु 12 ग के अनुसार वेतन परिवर्तन सूचना प्रपत्र संलग्न 3 तथा वेतन परिवर्तन का समग्र विवरण प्रपत्र संलग्न 4 पर प्रतिमाह खंड शिक्षा अधिकारी / नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा वर्तमान माह की तुलना में ठीक पूर्व के माह से गत माह में आने वाले वेतन अंतर एवं परिवर्तन की सूचना समस्त आदेशों सहित वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय को प्रत्येक माह की 25 तारीख तक प्रेषित की जाएगी। वेतन भुगतान हेतु मानव संपदा पोर्टल पर पेरोल मॉड्यूल लागू होने की स्थिति में बिंदु संख्या 12 ख व ग की कार्यवाही पेरोल मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन की जानी है। बिंदु संख्या 12 ख व ग की कार्यवाही का विवरण वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा खंड शिक्षा अधिकारी नगर शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में संरक्षित रखा जाएगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर त्रुटिपूर्ण भुगतान के समय इन्हें साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके और वार्षिक ऑडिट में भी मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जा सके।